मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हमारा जो चैप्टर है नाइन्थ क्लास में ट्वेल्थ चैप्टर चैप्टर ट्वेल्थ साउंड। साउंड का अर्थ होता है ध्वनि। तो आज हम इसके क्वेश्चन आंसर को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। व्हाट इज द साउंड, व्हाट इज साउंड एंड हाउ इट इज प्रोड्यूस्ड। साउंड अर्थात ध्वनि क्या है और ये ध्वनि कैसे पैदा होती है। सो द आंसर इज साउंड इज अ काइंड ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। एक काइंड है साउंड इज अ काइंड ऑफ मैकेनिकल एनर्जी विच प्रोड्यूस अ सेंसेशन ऑफ हियरिंग व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज सेट इनटू वाइब्रेशंस द साउंड इज प्रोड्यूस्ड। साउंड एक प्रकार की मैकेनिकल मतलब यांत्रिक ऊर्जा है जो प्रोड्यूस यानी कि जो पैदा होती है सेंसेशन ऑफ हियरिंग। हियरिंग मीन्स सुनना, यानी कि जब हम सेंसेशन यानी कि वाइब्रेशन को जो पार्टिकल्स में जो वाइब्रेशन होता है जब हम उस वाइब्रेशन उस सेंसेशन को कानों के माध्यम से सुनते हैं तो साउंड हमारे कानों तक पहुंचता है और हमें साउंड का आभास होता है, साउंड पता लगता है। एन ऑब्जेक्ट इज सेट इनटू वाइब्रेशन, जब कोई ऑब्जेक्ट, हमने पढ़ा था कि साउंड तब पैदा होता है जब कणों में वाइब्रेशन होता है, तो वाइब्रेशन द साउंड इज प्रोड्यूस तो तब साउंड पैदा होता है। देन नाउ क्वेश्चन नंबर टू, डिस्क्राइब विद द हेल्प ऑफ अ डायग्राम हाउ कंप्रेशंस एंड रेयरफैक्शंस आर प्रोड्यूस्ड इन एयर नियर अ सोर्स ऑफ साउंड। आंसर, द प्रोडक्शन ऑफ कंप्रेशन एंड रेयरफैक्शंस इन एयर कैन बी एक्सप्लेन्ड एज व्हेन अ वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट मूव्स फॉरवर्ड इट पुशेस द एयर इन फ्रंट ऑफ इट creating a region of high pressure. This region is called compression. This compression starts to move away from the vibrating object. When the vibrating object move backward, it create a region of low pressure called rarefaction. तो प्यारे बच्चों, आपको ये एक एक्सपेरिमेंट से समझाने की कोशिश करता हूँ कि जब साउंड पैदा होता है, जब हम किसी पार्टिकल को, जब हम साउंड को क्रिएट करते हैं, तो जहां से साउंड पैदा होता है, तो जब साउंड पार्टिकल्स को धक्का देता है, तो धक्का देने के बाद ये एक पार्टिकल, जो फर्स्ट जो पार्टिकल है, वो पार्टिकल आगे वाले पार्टिकल को क्या करता है, मूवमेंट देता है, धक्का देता है, तो पूरा पार्टिकल कहीं पे ये पार्टिकल एक साथ कनेक्ट हो जाते हैं, जैसे ये। तो जहां पे ये पार्टिकल्स एक इस प्रकार की रेंज बना लेते हैं, दैट इज कॉल्ड कंप्रेशन। इसी को हम कंप्रेशन कह रहे हैं, जहां पे एयर के पार्टिकल या किसी ऑब्जेक्ट के पार्टिकल पास पास होते हैं उसको हम कहते हैं कंप्रेशन, और जहां पे ये दूर दूर होते हैं उसको कहते हैं हम रेयरफैक्शन। तो ये रेयरफैक्शन, और जब ये जहां पे ये फैल जाएंगे उसको कहेंगे हम रेयरफैक्शन, और जहां पे ये कलेक्ट हो जाएंगे उसको कहेंगे कंप्रेशन। As the object moves back and forth rapidly, a series of compression and rarefaction is created. This make the sound waves that propagate through the medium. तो compression and rarefaction की जो सीरीज बनती है, इस सीरीज के कारण ही साउंड क्या होता है, मीडियम में आगे को फॉरवर्ड होता है। कहने का मतलब है कि कणों के बीच में दोलन गति होती है, जिसमें एक कण दूसरे कण को धक्का देता है और आगे वाले कण को तक ये कंप्रेशन एंड रेयरफैक्शन की सीरीज बनती जाती है और साउंड ट्रांसमिट होता है। देन नाउ क्वेश्चन नंबर थर्ड, साइट एन एक्सपेरिमेंट टू सो दैट साउंड नीड अ मटेरियल मीडियम फॉर इट्स प्रोपोगेशन। कहने का मतलब है कि आप एक एक्सपेरिमेंट के माध्यम से ये समझाइए कि साउंड को ट्रेवल करने के लिए किसी मीडियम की आवश्यकता होती है, मैटेरियल मीडियम की आवश्यकता होती है, यानी कि मैटेरियल मीडियम में भी साउंड ट्रांसमिट कर सकते हैं। आंसर, एक्सपेरिमेंट सो दैट साउंड नीड अ मैटेरियल मीडियम फॉर इट्स प्रोपोगेशन इज गिवन बिलो। यहाँ पे हमने एक डायग्राम को ड्रॉ किया है जिसमें सामने पे इलेक्ट्रिक कनेक्शन दिया गया है, उस पर एक स्विच को कॉर्क से अरेंज किया गया है, जो सीधे नीचे इलेक्ट्रॉनिक बेल लगी हुई है, उस बेल का स्विच है, और इस पूरे सिस्टम को हमने एक जार में लिया है, और इस जार को हमने इवैक
इवैक्यूएटिंग पंप के माध्यम से इसको निर्वात बनाया है, यानी कि इसके अंदर की सारी हवा बाहर निकाल दिया। अब इसके अंदर जब हवा नहीं है, यानी कि एयर मीडियम नहीं है, वाटर इसके अंदर है नहीं, है ना, सॉलिड इसके अंदर है नहीं, तो इसके अंदर का जो मीडियम है वो हमने निर्वात बना दिया है। अब हम क्या करेंगे, बेल को बजाएंगे और साउंड जो पैदा होगा हम उस साउंड को बाहर से लिसन करेंगे, सुनेंगे उसको। क्या साउंड ट्रेवल कर सकता है निर्वात में, इस एक्सपेरिमेंट का मकसद है। एक्सपेरिमेंट में ये लिखा हमने कि टेक एन इलेक्ट्रिक सर्किट हैविंग अ सेल अ स्विच एंड एन इलेक्ट्रिक बेल अरेंज्ड इनसाइड अ बेल जार। बेल जार के अंदर हमने स्विच, इलेक्ट्रिक बेल और इलेक्ट्रिक सर्किट को फिट किया। विच स्टैंड ऑन द प्लेटफॉर्म ऑफ एन इवैक्यूएटिंग पंप, जो कहाँ पे खड़ा है, जो बेल जार इवैक्यूएटिंग पंप के ऊपर हमने उसको सेटअप किया है, यानी कि जहाँ से वो हवा को फेंक सकता है, हवा को निकाल सकता है ऐसे पंप के ऊपर। द स्विच ऑफ द बेल इज प्रेस्ड, जब स्विच को ऑन किया जाता है तो बेल क्या होती है, बजने लगती है। टू क्लोज द इलेक्ट्रिक सर्किट व्हेन देयर इज एयर विद द बेल जार साउंड कैन बी हेयर्ड, यानी कि जब स्विच ऑफ करते हैं बेल का, जब घंटी का स्विच ऑफ करते हैं तो इलेक्ट्रिक सर्किट बंद हो जाता है, जिसके कारण एयर विद द बेल जार, उसके अंदर तो अभी एयर है, उसके कारण जार के अंदर से आवाज बाहर आती है। साउंड कैन बी हर्ड, एयर इज नाउ पम्प्ड आउट। अब हमने क्या किया, निर्वात बनाया उसको, एयर को बाहर निकाला, आउट ऑफ द बेल जार व्हेन द एयर इज कम्प्लीटली रिमूव्ड। अब उसके अंदर की पूरी हवा हमने निकाल दी फ्रॉम द बेल जार, बेल जार से। नो साउंड हेयर्ड बिकॉज द मीडियम ऑफ एयर विच हैज टू कैरी एनर्जी फ्रॉम द बेल टू द बेल जार इज रिमूव्ड इट सो दैट साउंड नीड मेटेरियल मीडियम फॉर इट्स प्रोपोगेशन। कहने का मतलब यह है कि जब हम बेल जार के अंदर घंटी को बजाते हैं तो जब तक उसमें हवा है तो हवा के कण उस साउंड को उसके दीवारों तक लेकर के आते हैं, जिसके कारण बेल जार से आवाज सुनाई देने लगती है। लेकिन जब बेल जार के अंदर से हमने वैक्यूम पंप के माध्यम से हवा को बाहर निकाल दिया, अब घंटी तो बजती है बेल जार के अंदर, लेकिन वो साउंड बेल जार की दीवार तक नहीं पहुंच पाती है, जिसके कारण हमें साउंड नहीं सुनाई देता है। इट मीन्स इट सो दैट साउंड नीड अ मेटेरियल मीडियम फॉर इट्स प्रोपोगेशन, यानी कि साउंड को मेटेरियल मीडियम चाहिए, किसके लिए, प्रोपोगेशन के लिए। देन नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, व्हाई इज साउंड वेव कॉल्ड अ लॉन्गिट्यूडनल वेव, साउंड वेव को लॉन्गिट्यूडनल वेव क्यों कहते हैं। क्वेश्चन नंबर फोर साउंड वेव इज कॉल्ड अ लॉन्गिट्यूडनल वेव बिकॉज द पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम वाइब्रेट इन द डायरेक्शन ऑफ द प्रोपोगेशन ऑफ वेव। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, विच कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द साउंड हेल्प्स यू टू आइडेंटिफाई यूअर फ्रेंड बाई हिज वॉइस वाइल सिटिंग विद अदर्स इन अ डार्क रूम। अगर किसी अंधेरे कमरे में आपका दोस्त कहीं पर बैठा है और आपको बाहर से आने के लिए कह दिया जाए, आपने उसको देखा नहीं है, आपकी आंखों पे पट्टी बंधी है सपोज, तो आप कैसे उसकी आवाज़, वो कोई आवाज़ निकालेगा तो आप उसका नाम सहित बता दोगे कि ये कौन सा छात्र है, ये कौन सा साथी है। तो ये आइडेंटिफाई करने की जो कैपेसिटी है ये किसके कारण है, ये पूछा जा रहा है आपसे। सो द आंसर इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ साउंड इज क्वालिटी और टिम्बर विच हेल्प अस टू आइडेंटिफाई अवर फ्रेंड्स वॉइस। तो क्वालिटी या फिर टिम्बर हम किसको कहेंगे, द साउंड विच हैव द सेम पिच एंड लाउडनेस, मतलब ऐसे साउंड जिसका पिच और लाउडनेस एक जैसी हो, एक रिदम की हो, उसको हम यहाँ पे क्या कह रहे हैं, क्वालिटी ऑफ साउंड या टिम्बर ऑफ साउंड, जिसकी हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं अपने फ्रेंड की वॉइस को। देन नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, फ्लैश एंड थंडर आर प्रोड्यूस्ड सिमल्टेनियसली बट थंडर इज हर्ड अ फ्यू सेकंड्स आफ्टर द फ्लैश इज सीन, व्हाई। आकाश में जब बादल गरजते हैं, बिजली चमकती है, तो उस दौरान हम देखते हैं कि जो बिजली है, जो फ्लैश है, वो पहले आ जाती है, जबकि जो बादलों की जो आवाज है वो बाद में आती है, तो क्या कारण है। देन नाउ द आंसर इज द स्पीड ऑफ साउंड इज 334 मीटर पर सेकेंड,
इन एयर विच इज मच स्मॉलर देन द स्पीड ऑफ लाइट विच इज 3×10⁸ मीटर पर सेकेंड. So thunder is heard a few seconds after the flash is seen. इसका मतलब है कि साउंड की जो स्पीड है वो लाइट की स्पीड से कम है, इसीलिए साउंड जो है कि आराम से यानी देर में सुनाई देता है जबकि लाइट हमें पहले दिखाई देती है. Now next question, question number 7. A person has a hearing range from 20 Hz to 20 kHz. What are the typical wavelengths of sound waves in air corresponding to these two frequencies? Take the speed of sound in air is 334 meter per second. तो आपको क्या निकालना है टू फ्रीक्वेंसीज की वेवलेंथ गिवन. स्पीड ऑफ साउंड हमें दिया गया है 344 मीटर पर सेकेंड. आगे हमें दिया गया है फ्रीक्वेंसी, हमें दो फ्रीक्वेंसी दी गई हैं. एक है V1 इक्वल टू 20 हर्ज एंड V2 इक्वल टू 20 किलो हर्ज, और किलो हर्ज को हमने कन्वर्ट किया हर्ज में तो वो हो गया 20,000 हर्ज. वेवलेंथ लैम्डा इक्वल टू व्हाट, ये हमें निकालना है. Now we know that, अब हम जानते हैं कि wavelength lambda is equal to speed upon frequency. तो हम एक बार में एक V1 एक frequency की बात करेंगे. V1 की जगह एक बार हम इसको रखेंगे. Then now दूसरे formula में हम क्या करेंगे, दूसरी wavelength के लिए हम V2 का की value रखेंगे. तो पहले हम V1 को रखेंगे. अब हमने lambda is equal to स्पीड अपॉन फ्रीक्वेंसी किया. द फर्स्ट फ्रीक्वेंसी इज 20 हर्ट्ज, सो वी डिनोट द वैल्यू लैम्डा इज इक्वल टू 344 स्पीड ऑफ साउंड अपॉन 20. द फर्स्ट जो फ्रीक्वेंसी है उसको रखा, उसकी वैल्यू रखी, तो हमारा आंसर आया 17.2 मीटर. देन नाउ अगेन, नाउ वेवलेंथ ऑफ साउंड वेव्स करस्पॉन्डिंग टू 20 किलो हर्ट्ज. अभी तक हमने 20 हर्ट्ज के लिए निकाला V1 में, अब हम 20 किलो हर्ज यानी कि 20,000 हर्ज के लिए नेक्स्ट वेवलेंथ को काउंट करेंगे. इसीलिए लैम्डा इज इक्वल टू स्पीड अपॉन फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 344 जो हमें पहले गिवन था, जो पहले दिया गया था 344 मीटर पर सेकेंड अपॉन 20,000. हमने 20 किलो हर्ज को हर्ज में कन्वर्ट किया तो 20,000 आया. हमने इसको सॉल्व किया तो 0.0172 मीटर. मीटर क्यों आया, क्योंकि वेव लेंथ है और लेंथ का जो यूनिट है जो मात्रक है वो क्या है, मीटर है. तो वेव लेंथ का मात्रक मीटर है, इसलिए दोनों आंसर हमारे निकल चुके हैं मीटर में. नाउ क्वेश्चन नंबर 8. टू चिल्ड्रन आर एट अपोजिट ends of an aluminium rod, one strikes the end of the rod with a stone. Find the ratio of times taken by the sound wave in air and in aluminium to reach the second child. कहने का मतलब है कि दो बच्चे अपोजिट इंड पे हैं, किसी बहुत लंबी एल्यूमिनियम रॉड है, उस रॉड के एक किनारे पे एक बच्चा है, दूसरे किनारे पे दूसरा बच्चा है. आपको ये बताना है कि अगर कोई एक बच्चा इन दोनों में से लंबी सी रॉड है एल्यूमिनियम की, एक बच्चा यहाँ पे खड़ा है और एक बच्चा यहाँ पे खड़ा है, आपको ये बताया गया है कि कोई एक बच्चा ए एल्यूमिनियम की रॉड पे स्ट्राइक किसी पत्थर से मारता है तो आपको पहले के दो केस आपको बताने हैं. पहले केस में आपको ये बताना है कि साउंड इस एल्यूमिनियम से ए से बी तक पहुंचने में कितना टाइम लेगा. रेशियो ऑफ टाइम, एक बार आपको टाइम पता करना है. दूसरे में क्या होगा कि एयर से, मतलब ये बच्चा अगर यहां से साउंड को एयर के माध्यम से ए से बी तक पहुंचने में कितना टाइम लगेगा, और साउंड को एल्यूमिनियम टू एल्यूमिनियम मतलब इस रॉड के माध्यम से जाने में कितना टाइम लगेगा. साउंड यहां से यहां एयर टू एयर कितना टाइम लेगा, और एल्यूमिनियम की रॉड से साउंड ए से बी तक जाने में कितना टाइम लेगा, दोनों का अनुपात रेशियो आपको निकाल दें. तो चलो सॉल्व करते हैं आंसर के लिए. हमने क्या किया, एज स्पीड ऑफ साउंड इन एयर, सबसे पहले साउंड की जो स्पीड है वो
V1 इज इक्वल 346 मीटर पर सेकेंड मीटर पर सेकेंड स्पीड ऑफ साउंड इन एल्यूमिनियम V2 U2 6420 मीटर पर सेकेंड लेट द लेंथ ऑफ एल्यूमिनियम रॉड टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड टाइम टेकन इन एयर लेंथ मतलब जो एल्यूमिनियम की जो लेंथ हमने ली थी वो L हमने ली है L मीटर तो लेंथ L मीटर अपॉन 346 जो स्पीड है सेकंड में निकल गया क्योंकि टाइम का यूनिट सेकंड होता है टाइम टेकन इन एल्यूमिनियम भाई एयर में इतना टाइम लिया एल्यूमिनियम में इतना टाइम लिया अब हमने रेशियो निकाला रेशियो मतलब ये अपॉन ये एयर में टाइम और अपॉन एल्यूमिनियम में टाइम अगर हम ऐसे क्वेश्चनों को जब सॉल्व करते हैं तो ये उल्टा हो जाता है नीचे वाला उल्टा हो जाएगा और मल्टीप्लाई आ जाएगा यानी हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे L अपॉन 346 और जब ये ऊपर जाएगा तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा क्योंकि ये डिवाइड है इस डिवाइड को हम क्या कर देंगे मल्टीप्लाई में कन्वर्ट कर देंगे तो ये उल्टा हो जाएगा 6420 ये नीचे वाला ऊपर अपॉन ये L नीचे चला गया इस L ने इस L को काट दिया तो हमारे पास क्या बचा 6420 अपॉन 346 इसको मैं यहां पे लिख रहा हूं 6420 अपॉन 346 और हम इसको जब सॉल्व करेंगे तो इसका जो आंसर आएगा किसने इसको काटा कितनी बार 18.55 अपॉन 1 ठीक है इसने इसको इतनी बार काटा तो जो रेशियो जो हमारा निकला वो क्या निकला 18.55 रेशियो 1 एंड दैट इज आंसर 18.55 रेशियो 1 Then now question number 9. The frequency of a source of sound is 100 Hz. How many times does it vibrate in a minute? एक मिनट में ये कितनी बार वाइब्रेट करेगा अगर साउंड के सोर्स की फ्रीक्वेंसी 100 Hz है. Answer. Given frequency of a sound F is equal to 100 Hz. Time taken T. One minute को हमने कन्वर्ट किया सेकंड में. We know that frequency is equal to number of oscillation upon time taken. यानी कि frequency का मतलब है कि कोई भी कण अगर हमने कोई नियत समय लिया माना हमने 5 सेकंड का समय लिया 5 सेकंड में कोई भी कण कितनी बार oscillation है कि दोलन गति कर रहा है हमने उसको उस कण की frequency मान लिया. Number of oscillation is equal to अब हमने इस formula से frequency is equal to oscillation upon time taken. Oscillation is equal to ये त्रिज्या तक्षी गुणा हो जाएगा है ना ये जब यहाँ आ जाएगा तो frequency into टाइम मल्टीप्लाई हो जाएंगे इज इक्वल टू 100 इनटू 60 इज इक्वल टू 6000 टाइम्स एंड 6000 टाइम्स मींस इन अ मिनट साउंड विल वाइब्रेट 6000 टाइम्स. क्वेश्चन नंबर 10 डज साउंड फॉलो द सेम लॉज ऑफ रिफ्लेक्शंस एज लाइट डज एक्सप्लेन. कहने का मतलब है कि जैसे हमने लाइट का रिफ्लेक्शन पढ़ा था ना तो क्या साउंड का रिफ्लेक्शन यानी कि परावर्तित साउंड भी क्या परावर्तित लाइट की तरह ही परावर्तित होता है क्या लाइट और साउंड दोनों एक जैसे परावर्तित होते हैं आप इस पर विस्तृत रूप से चर्चा की. आंसर यस साउंड फॉलोज द सेम लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन एज दैट ऑफ लाइट बिकॉज एंगल ऑफ इंसिडेंस ऑफ साउंड इज इक्वल टू दैट ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड. हम जानते हैं प्यारे बच्चों कि जब साउंड लाइट की तरह हम लाइट के बारे में हमने पढ़ा था कि जब लाइट किसी सतह से टकराती है किसी सरफेस से टकराती है तो टकराने के बाद वो सेकंड डायरेक्शन में अनदर डायरेक्शन में क्या हो जाती है निकल जाती है इसको हम कहते हैं इंसिडेंस रे इसको कहते हैं रिफ्लेक्ट रे. ऐसे साउंड के केस में भी साउंड जब यहां से साउंड सोर्स से किसी भी सोर्स से जब साउंड रिलीज होगा तो वो एक सरफेस पे जाने के बाद टकरा करके दूसरी सरफेस पे निकल जाएगा. The second one is the direction in which sound is incident, that in which it is reflected, and the normal all lie in the same plane. कहने का मतलब ये है कि जो incidence जो ray होती है ये कोई plane surface है ठीक है
या ये कोई सरफेस है, इस सरफेस पे इंसिडेंस जो आने वाला जो साउंड है वो, और जाने वाला जो साउंड है रिफ्लेक्ट जो रे है, रिफ्लेक्ट जो साउंड है, और ये नॉर्मल एन, इंसिडेंस नॉर्मल एंड रिफ्लेक्ट, ये तीनों पॉइंट एक ही बिंदु पे होते हैं, जो कि लाइट के केस में भी हमने देखा है। इंसिडेंस एंगल इज इक्वल टू रिफ्लेक्ट एंगल, इंसिडेंस एंड रिफ्लेक्ट एंड द नॉर्मल, द थ्री पॉइंट लाई इन द सेम सरफेस, सो इट मींस द लाइट एंड द साउंड ऑल्सो फॉलो द सेम रूल। क्वेश्चन नंबर 11, व्हेन अ साउंड इज रिफ्लेक्टेड फ्रॉम अ डिस्टेंट ऑब्जेक्ट एन इको इज प्रोड्यूस्ड, लेट द डिस्टेंस बिटवीन द रिफ्लेक्टिंग सरफेस एंड द सोर्स ऑफ साउंड प्रोडक्शन रिमेन्स द सेम, डू यू हियर इको साउंड ऑन अ हॉटर डे। कहने का मतलब यह है कि जहां से साउंड प्रोड्यूस हो रहा है जिस सोर्स से, अगर हम उस सोर्स और जहां से साउंड रिफ्लेक्ट होकर के वापस आ रहा है और इको को प्रोड्यूस कर रहा है, इन दोनों के बीच की दूरी को हम अगर सेम रखें, कब, ड्यूरिंग द हॉटर डे, गर्मियों के दिनों में, तो क्या तब भी आपको इको सुनाई देगा? आंसर है, ऑन द हॉटर डे द स्पीड ऑफ साउंड इंक्रीजेज, सो द रिफ्लेक्टेड साउंड रिटर्न्स टू सोर्स अर्लियर देन 0.1 सेकेंड, हेंस अ डिस्टिनिक्ट इको कैन नॉट बी हियर्ड। गर्मियों के दिन में हॉटर डे में साउंड की स्पीड क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, क्योंकि जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होगा द स्पीड ऑफ साउंड इज ऑल्सो इंक्रीज, और साउंड की स्पीड इंक्रीज होगी और डिस्टेंस तो वही है, और उसी डिस्टेंस में जब साउंड की स्पीड इंक्रीज होगी तो साउंड जल्दी पहुंचेगा, जिसके कारण इको कैन नॉट बी हियर्ड, हमें इको सुनाई नहीं देगा या थोड़ा बहुत सुनाई देगा। लेकिन अगर हम डिस्टेंस वही रखें और गर्मियों के दिनों की बात हो, तो टेम्परेचर इंक्रीज होने से साउंड की स्पीड बढ़ जाएगी और टाइम तो वही रहेगा, तो टाइम। नाउ द अनदर क्वेश्चन नंबर 12, गिव टू प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड वेव्स, यानी कि साउंड के परावर्तन के, रिफ्लेक्शन के क्या क्या एप्लीकेशन, प्रैक्टिकल यूजेस हैं। द नंबर वन एप्लीकेशन ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड वेव्स आर द नंबर वन, इन अ स्टेथोस्कोप द साउंड ऑफ अ पेशेंट हार्ट बीट इज गाइडेड अलोंग द ट्यूब ऑफ द स्टेथोस्कोप टू द डॉक्टर्स ईयर बाय मल्टीपल रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। भाई स्टेथोस्कोप को तो हम सब जानते हैं, जब भी डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर स्टेथोस्कोप से हमारी हार्ट बीट को समझने का, सुनने का प्रयास करता है, तो दैट इज द ग्रेट यूजेज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। द सेकेंड वन यूजेज इज डिजाइनिंग ऑफ अ कंसर्ट हॉल। भाई जो बड़े बड़े जो हॉल होते हैं आपने देखा होगा, जहाँ पे बड़े बड़ी चर्चाएँ, परिचर्चाएँ, विचार विमर्श होते हैं, गोष्ठियाँ होती है, तो वहाँ पे अक्सर आवाज़ के गूंजने की प्रॉब्लम होती है, तो हम उस हॉल को बनाने के लिए साउंड रिफ्लेक्शन के लॉज का अध्ययन करते हैं, और उस कंसर्ट हॉल को ऐसा बनाया जाता है कि वो साउंड को एब्जॉर्ब करे। इसीलिए जो कंसर्ट हॉल होते हैं उनका डिजाइन इस प्रकार से किया जाता है कि वहाँ पे साउंड रिफ्लेक्ट होने की, रिफ्लेक्ट तो हो लेकिन वो इको को पैदा ना करे। इसीलिए कंसर्ट जो हॉल होते हैं वहाँ की जो छत होती है वो गुम्बदाकार बनाई जाती है ताकि साउंड इको पैदा ना करे। तो ये डिजाइनिंग ऑफ कंसर्ट हॉल भी हम रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड वेव्स का एक प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है। क्वेश्चन नंबर 13, अ स्टोन इज ड्रॉप्ड फ्रॉम द टॉप ऑफ टावर 500 मीटर हाई इनटू अ पॉन्ड ऑफ वाटर एट द बेस ऑफ द टावर, व्हेन इज द स्प्लैश हियर्ड एट द टॉप, गिवन जी गुरुत्वीय त्वरण का मान दे रखा है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एंड स्पीड ऑफ साउंड इज 340 मीटर पर सेकंड। कहने का मतलब ये है कि अगर किसी टावर की ऊंचाई से हम किसी पत्थर को फेंकें और नीचे कोई टावर हो, ठीक टावर सॉरी नीचे एक पॉन्ड तालाब हो टावर के बेस पे, और ऊपर से हम टावर से किसी पत्थर को फेंकें, तो वो पत्थर जब तालाब में पड़ेगा तो उससे आवाज़ निकलेगी, स्प्लैश होगा, वो डूबेगा जब पत्थर, तो उसकी जो आवाज़ टावर के टॉप में पहुँचेगी तो वो कब पहुँचेगी, कितना टाइम लगेगा उस साउंड को बेस से ऊपर पहुँचने में। वृत्तीय त्वरण जी का मान दे रखा 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर और साउंड की स्पीड दे रखी है 340 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो डिस्टेंस कवर्ड बाय द स्टोन 500 मीटर, देन नाउ इनिशियल वेलोसिटी, यानी प्रथम जब पहली बार पत्थर को फेंका होगा
उस समय उसकी वेलोसिटी उसका वेग कितना है, जीरो, क्यों? पत्थर के पास गतिज ऊर्जा नहीं है, स्थितिज ऊर्जा है, वो अभी चला नहीं है, तो पत्थर को फेंका नहीं, इसलिए उसकी वेलोसिटी, प्रथम वेलोसिटी कितनी हो गई, जीरो मीटर पर सेकेंड। एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, गुरुत्वाकर्षण के कारण जैसे जैसे पत्थर नीचे जाएगा उसकी स्पीड बढ़ती जाएगी, उसी को हम एक्सीलरेशन कह रहे हैं, वो कितनी है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और वी नो दैट, अब हम गति के समीकरण को जानते हैं, एस इक्वल टू यूटी प्लस वन अपॉन टी एटी स्क्वायर, हमने कुछ नहीं किया, वैल्यू रखी, एस की वैल्यू हमें दी गई है 500 मीटर, यू की वैल्यू हमें दी गई है जीरो, क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी जीरो है। देन नाउ टाइम टेकन हमें निकालना है, देन नाउ 1 अपॉन 2 इनटू 10, एक ए मींस एक्सीलरेशन या ग्रेविटी के कारण, तो 10 टी के बदले में हमने टी रखा, तो 500 इज इक्वल टू जीरो इंटू टी, मल्टीप्लाई करेंगे तो जीरो हो जाएगा, बचा 1 अपॉन 2 इंटू 10 इंटू टी स्क्वायर, 2 ने 10 को काटा तो 5 है, तो आ गया ये 5 यहाँ है ना, मल्टीप्लाई क्रॉस मल्टीप्लाई हुआ, तो 500 अपॉन 5 इज इक्वल टू टी स्क्वायर आया वो वाला। उसके बाद टी स्क्वायर इज इक्वल टू 5 से 500 को काटा तो 100 आया, तो टी स्क्वायर इज इक्वल टू 100, तो टी इज इक्वल टू अंडर रूट 100 यानी 10 सेकंड। तो अभी जो साउंड सिर्फ ऊपर पहुंचा है 10 सेकंड लिए उसने, अभी वो साउंड नीचे से ऊपर गया, तो 10 सेकंड में तो पत्थर ऊपर से नीचे पहुंचा विद ग्रेविटी, ग्रेविटी के कारण पत्थर टावर्स के ऊपर से नीचे पहुंचा, उसको 10 सेकंड का टाइम लगा। अब हमें यह पता करना है कि साउंड जब पैदा होगा, स्प्लैश होगा पॉन्ड में पत्थर, तो उससे जो साउंड प्रोड्यूस होगा उसको ऊपर पहुंचने में कितना टाइम लगेगा। Thus, the 10 second stone reaches the pond. Then now time taken by sound to cover a distance 500. अब हमने इससे आगे यहाँ लिखा हुआ है। Time taken by sound to cover a distance 500 meter. अब sound को नीचे से ऊपर आने में, क्योंकि उसकी distance tower की 500 meter है, तो 500 meter cover करने में sound को कितना time लगता है? 500 upon 340. 340 क्या है? Sound की speed है. 500 total distance है. Equal to आंसर अभी निकला 1.47 सेकेंड। और टोटल टाइम टेकन बाय, पहले कितना टाइम लिया था उसने 10 सेकेंड का, प्लस 1.47 सेकेंड इज इक्वल टू 11.47।